तो अपने डार्लिंग बाबा यानी प्रभास की गाइस आपको पता ही होगा जो कि लाइनअप आने वाली है, जो कि भाई साहब अलग लेवल पे होगी। पर भाई साहब लाइनअप से अच्छा इस मूवी में एक मूवी है जो कि इंटरेस्ट बनाए रखी है। भाई साहब इसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, ये किया गया, वो किया गया, इसके साथ बहुत मजाक उगाया इसके टीजर का, VFX का। पर भाई लोग देखो, मेकर्स अड़े हुए हैं कि भाई साहब हम कुछ नया ही दिखाएंगे, जो भी हमसे लोग लगा के रखे हैं उम्मीदें उन पर हम खड़े उतरेंगे। भाई साहब इसी उम्मीद से उन लोगों ने ये मूवी बनाई है। तो गाइस क्या आदि पुरुष की VFX CGI एकदम टोटली खतरनाक हो गई, क्या डार्लिंग बाबा की ये मूवी अब राधे श्याम साहू इनसे बेटर निकल पाएगी? तो गाइस देखो, कॉन्सेप्ट इसका इतना मजबूत है ना गाइस कि ये मूवी आग लगा दे, टोटली आग लगा देगी अगर ये मूवी इसके VFX और CGI अच्छा निकलता है। और भाई साहब निकलता क्या है यार, इसको अच्छा निकले या ना निकले, पर भाई साहब हम तो जाएंगे यार देखने, क्योंकि बोलो जय सिया राम। तो गाइज़ आते यार अपने आदि पुरुष को लेकर, तो गाइज़ इसका टीज़र तो आपको पता ही होगा, थर्ड 30 मार्च को देखने को मिलने वाला है हमको इसी मंथ के अंदर। तो गाइज़ एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई साहब 6 मंथ का टाइम लेने के बाद इन लोगों ने क्या क्या चेंजेस किया है वो देखने में भी, कि चेंजेस किया है आउटफिट को, चेंजेस किया है या फिर इसके कैरेक्टर्स के साथ कुछ किया है, तो वो देखने को ज़रूर मिलेगा हमको। तो गाइस तब तक कि हम वेट ही कर सकते हैं यार। और भाई साहब ये डार्लिंग बाबा की ये मूवी तो 1000 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करे यार, क्योंकि यार प्रभास की फ़ैन फॉलोइंग अलग है यार, क्योंकि प्रभास एक ऐसे स्टार है पैन इंडिया के, इतने बड़े स्टार बन चुके हैं कि भाई साहब इनकी मूवीज़ आती है, इनकी फ्लॉप्स मूवी ले लो यार आप, राधे श्याम जिसने 250 करोड़ कलेक्शन किया वो भी फ्लॉप, तो भाई साहब इतने में तो बॉलीवुड की 2-4 पिक्चरें निकल जाए। और भाई साहब बात करें राधे श्याम की, प्रभास की साहू की, तो उसका 450 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। तो गाइज इनकी फ्लॉप, प्रभास की फैन फॉलोइंग इतनी है कि उनकी फ्लॉप मूवीज़ भी 500 करोड़ की होती है, तो तुम समझ जाओ कि भाई साहब कितने लेवल के पैन इंडिया सुपरस्टार है। तो आदि पुरुष तो फ्लॉप तो नहीं होगी गाइज, और ये इतना कलेक्शन करेगी मैं बता रहा हूँ, VFX का हिसाब भी निकल के आए, VFX और जो भी हमको देंगे ना गाइज उसके बाद भी फैन फॉलोइंग फर्स्ट डे पे तो भाई साहब आदि पुरुष मचा के रखेगी, और लगभग मैं बता रहा हूँ तुमको 250 से 300 करोड़ के बीच में कलेक्शन कर लेगी वर्ल्ड वाइड डे वन पे, क्योंकि भाई साहब रामायण के कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मजबूती है यार, एक तरफ प्रभास है, कृति सेनन है, ओम राउत डायरेक्टर है, तो भाई साहब मजबूती देखो तुम मूवी की, मजबूती प्रभास है। तो भाई साहब अब तो मूवी आने का टीज़र आने के बाद ही बता सकते हैं कि क्या क्या होगा इस मूवी का। तो तब तक के लिए यार भाई लोग तुम सपोर्ट दिखाते रहो, क्योंकि डार्लिंग बाबा के फैंस तो सब्सक्राइब कर ही दोगे, क्योंकि गाइस देखो डार्लिंग बाबा का तुम्हारा भाई बहुत बड़ा फ़ैन है। और भाई साहब मैं चाहता हूँ कि यार दिल से चाहता हूँ कि प्रभास की पिक्चर मचाए आदि पुरुष, और आदि पुरुष बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आदि पुरुष के लिए। तो तुम तुम्हारे ओपिनियन ज़रूर शेयर करना तुम्हारे भाई के साथ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, तो मिलते रहेंगे, मिलते हैं, बाय बाय।